अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जुनेद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हुसैन चौक में। यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जूस कॉर्नर लगा हुआ है। बहुत ही यूनिक किस्म का जूस कॉर्नर है जो कि उन्होंने गाड़ी पे डेकोरेट किया हुआ है। बोली जूस कॉर्नर इनका नाम है, शॉप का नाम है इनका, फूड कार्ट का नाम। और जो डेकोरेट किया हुआ है, इनसे बात करते हैं, जो हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे सोचा कि मैं इस तरह पिकअप पे सेटअप लगा सकता हूँ, सेटअप लगाकर जो है अच्छा अपने कस्टमर को अच्छा इंप्रेशन दे सकता हूँ। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक ठाक सर। आपका नाम? कासिम। जो कासिम भाई, मुझे बताएं कि ये जो आपने फूड कार्ट बनाया है, ये कहाँ से आपके जहन में आया कि मैं इस तरह का फूड कार्ट बनाऊँ? मतलब आपने गाड़ी पर पूरा बहुत अच्छा एक सेटअप लगा दिया। ये हमारे भाई साहब हैं लबल्टी बोली वाले। अच्छा, उन्होंने सेटअप बनाया था, उनके जेन में आया तो उन्होंने बनवा दिया। पहले ये बरकत मार्केट में था, अभी ये हुसैन चौक पे। तो कितनी देर हो गई आपको ये काम करते हुए? मुझे और कम से कम 15-16 साल हो गए। 16 साल तो ये सेटअप को कितनी देर हो गई है? इस सेटअप को 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। तो क्या क्या आप सेटअप में रखा हुआ है, कौन कौन सा जूस पिला रहे हैं कस्टमर को? एप्पल है, पाइन एप्पल है, नार है, मौसमी है, ग्रेपफ्रूट है, उसके अलावा गन्ने का रस है। मुझे बताएं कि जो स्पेशल है आपका जूस, कोई अपना भी कोई लॉन्च किया है आपने? हाँ जी, हमारा अपना है पीना ग्लाडा। वो क्या होता है, क्या उसमें? पाइन एप्पल होता है, पाइन एप्पल का स्लाइस होता है और कोकोनट होता है। ठीक है, तो क्या फीडबैक है कस्टमर का? कस्टमर क्या कह के जाता है, पी के जाता है तो क्या बताता होगा वो? हाँ, किस अच्छा, तरह का बना है, किस तरह का नहीं बना? कभी कंप्लेन भी आई हो? ना ना कंप्लेन नहीं। दूध कौन सा यूज़ करते हैं आप? दूध हम मिल्क पैक यूज़ करते हैं। मिल्क पैक यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपकी कौन कौन सी ब्रांच है इनकी, जो कहाँ कहाँ पे? लबल्टी है, अल्लाह गोल चक्कर है, और एक ये है, एक बरकत मार्केट है। चार ब्रांचें हैं। अच्छा जी, मुझे अंदर से ज़रा दिखाएँ कि अपना सेटअप क्या क्या बना रहे हैं आप। चलो जी, वो चलते हैं। अच्छा जी, ये इनका सेटअप है, तो आप मुझे बताएं जो आपका स्पेशल है वो उसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं उसमें? ऐड करते हैं सर उसमें एप्पल, पाइन एप्पल करते हैं और कोकोनट करते हैं। उसके अलावा पाइन एप्पल का जूस यूज़ करते हैं और दूध यूज़ करते हैं। तो वो कितने का दे रहे हैं आप? वो हम देते हैं 250 का। 250 का। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप गन्ने का भी जूस देते हैं? हाँ जी। तो गन्ने का जो इतना बहुत साफ लग रहा है, इतना होता नहीं है, कि कैसे किया आपने? खुद कपड़े के साथ मिला करके नहीं साफ किया हुआ? हाँ, ये खुद धोते हैं हम, किसी से नहीं दिलवाते, ये खुद ही आपने किया हुआ है? हाँ जी, हम खुद धोते हैं। और गन्ने का कितने का? गन्ने का एक 60 रुपए का, एक 100 रुपए का। बर्फ़ आप कौन सी यूज़ करते हैं? बर्फ़ ये सामने पड़ी है, ये आइस, आइस क्यूब्स लेके आती हैं या मतलब वो दूसरी जो बर्फ़ होती है पट्टियों वाली? पट्टियों वाली, पट्टियों वाली यूज़ करते हैं। ठीक है। और अनार का बताएं मुझे, वो कितने का देते हैं? वो अनार हम देते हैं वैसे तो उधर बरकत मार्केट में 500 का देते हैं, इधर हम 400 का देते हैं ताकि काम थोड़ा सा ना चल जाए। ये पूरा शीशे का काम किया हुआ है, रात को आप छोड़ के जाते हैं या इधर कोई बंदा सुलाते हैं? नहीं नहीं, ये साइडों पे लगे हुए हैं ना ये। अच्छा अच्छा, इससे बंद करते हैं ये, तो मतलब सारा शीशा कवर हो जाता है? हाँ जी, कवर हो जाता है। अच्छा जी, मुझे ज़रा गन्ने का जूस बना कर दिखाएंगे आप कैसे बनाते हैं? सर बना के देता हूँ, आप बाहर से वीडियो बनाए, मैं बना देता हूँ। जी नाज़रीन, इनका जो जूस है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इनका जो फूड कार्ट है बहुत ही इन्होंने यूनिक किस्म का बनाया हुआ है। अगर किसी ने इनका जूस ट्राई नहीं किया तो मैं उन्हें कहूँगा कि इनका जो स्पेशल वाला जूस है ना कोकोनट वाला, वो ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।